नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के दौरे पर पहुंचे तो बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह उनका स्वागत हुआ। मोदी कैबिनेट के साथी नरेंद्र सिंह तोमर ने उनकी अगवानी की और मुरैना से ग्वालियर का ये रोड शो ऐतिहासिक बन गया, जब ग्वालियर चंबल के ये दो दिग्गज एक साथ एक रथ में नजर आए। तो सिंधिया के शक्ति प्रदर्शन के क्या मायने हैं ये तो समझेंगे ही, साथ ही बताएंगे कि सिंधिया ने किस अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। चंबल के राजघाट पुल पर सिंधिया के पहुंचते ही जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसने अपने प्रिय महाराज के स्वागत में पलक पावड़े बिछा रखे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का शाही अंदाज में ही फूल बरसाकर और माला पहनाकर स्वागत हुआ। राजघाट पुल पर ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भी उनका स्वागत किया और इसके बाद इंदौर से तैयार होकर आए रथ में सवार होकर सिंधिया का लाव लश्कर ग्वालियर की तरफ बढ़ चला। निरावली पॉइंट से आगे करीब आधा किलोमीटर तक गुलाब की पंखुड़ियों को सड़कों पर बिछाया गया था, फूलों से वेलकम लिखा गया था, सिंधिया के रथ को भी फूलों से सजाया गया था। करीब 20 किलोमीटर के रोड शो में उनका 200 से ज्यादा स्थानों पर स्वागत हुआ। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कांग्रेस का काम तो केवल बोलना है और हमारा काम करना है। सिंधिया ने कहा कि हम सब मिलकर विकास करेंगे, प्रधानमंत्री के निर्देश पर मंत्रालय का कार्य व्यवस्थित कर अपने अपने क्षेत्र में आए हैं। हमारा काम है काम करना, हम अंतर देखेंगे हम में और कांग्रेस में, और निर्णय जनता ने लिया है चुनाव में, निर्णय जनता लेगी आने वाले चुनाव में, और मुझे विश्वास है। मालवा में निकली सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा का जलवा यहाँ उफान पर था। आखिर सिंधिया अपने गृह क्षेत्र में जो थे, ऐसे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का साथ मिलने से जश्न और ताकत दोगुनी हो गई थी। बहरहाल ग्वालियर में कमजोर पड़ी कांग्रेस के साथ साथ सिंधिया ने इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए कई संदेश दिए तो लगे हाथ इस रोड शो में तोमर की एंट्री कराकर आला कमान ने भी एकता का संदेश दिया। देखना है कि इस रोड शो या कहें शक्ति प्रदर्शन और तोमर सिंधिया की इस नई जोड़ी का एमपी और दिल्ली की सियासत में क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। चलिए, तीन खास मेहमान हैं, उनके जरिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। परिचय करवाते अपने मेहमानों का, हमारे साथ में बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है गोविंद जी। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता संतोष परिहार जी, आपका स्वागत है संतोष जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ में जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट गोविंद जी आपसे, सिंधिया जी का ये स्वागत अभिनंदन था या उनका शक्ति प्रदर्शन था, और शक्ति प्रदर्शन था तो किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं, शक्ति प्रदर्शन की जरूरत तो कांग्रेस में पड़ा करती है। ग्वालियर के सिंधिया का जो ग्वालियर से नाता है वो सब जानते हैं, और उनके मंत्री बनने के बाद जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और बाकी लोगों में रहा, और वहां उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए अन्य गैर राजनीतिक लोग भी उसके लिए तत्पर थे, और उनकी अभिलाषा थी कि वो आए उनका स्वागत अभिनंदन करें। इस रूप में उनका ये जो पूरा कार्यक्रम बनाया गया, क्योंकि लोगों की इच्छाओं का, जन आकांक्षाओं का प्रतीक, यदि ये स्वागत सत्कार नहीं होता तो लोग इतने एकत्रित नहीं होते वहाँ, इसलिए इसको शक्ति प्रदर्शन का नाम देना तो एक अपना राजनीतिक उसका मंतव्य निकालना है। लेकिन उनका ये जो उस क्षेत्र में जो उनका प्रभाव है, जो उनका उनकी उनके प्रति स्नेह है, वो सिंधिया परिवार के प्रति जो अगाध लोगों की श्रद्धा है, उसकी अभिव्यक्ति इस रूप में हुई जी।
तो बिल्कुल, तो गोविंद जी का कहना है कि शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि तो आत्मीय स्वागत अभिनंदन था वहां पर सिंधिया जी के लिए। लेकिन ऐन वक्त पर नरेंद्र सिंह तोमर की एंट्री होना इस रोड शो में, गोविंद जी इसके हम क्या मायने निकालें? ये तो मायने निकालने वाले, मैंने कहा ना कुछ भी निकाले जा सकते हैं। नरेंद्र तोमर भी ग्वालियर के हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं और ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, पुराने नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। एक बार उनके नेतृत्व में दो चुनाव की प्रबंधन समिति के वो प्रमुख थे। तो नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश के बड़े नेता हैं और इस रूप में केंद्र में भी वरिष्ठ मंत्री हैं और वो अपने सहयोगी साथी के साथ वहाँ नहीं दिखते। तो आप लोग पहले ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, इसलिए मन में सवाल उठा कि कल रात को अचानक से उनको भेजा गया कि नहीं नहीं आपको जाकर के स्वागत करना है, अगवानी करनी है। तो ये केंद्रीय आला कमान ने फिक्स किया या नरेंद्र सिंह तोमर जी का मन हुआ कि नहीं नहीं सिंधिया जी आ रहे तो हम स्वागत करें? जो भी चीजें संगठन से तय होती हैं और ये अचानक हुआ ऐसा नहीं है। ये तो सब कुछ जिस ढंग से आयोजन की रूपरेखा बनी उसमें शामिल था और प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, संगठन के जानकार और प्रदेश के अध्यक्ष रहे और वहां से ग्वालियर से चुनाव लड़े, मुरैना से, पूरा क्षेत्र उनका भी उसमें, उनके प्रति भी वहाँ लोगों में बड़ा स्नेह है और वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका साथ रहना ये हमारे नहीं, ऐसा तो नहीं कि सिंधिया जी के अकेले रोड शो करने से गलत मैसेज जाता है इसलिए एन वक्त पर तोमर जी की एंट्री हुई कि नहीं नहीं बैलेंस बना करके चलना है? ऐसा नहीं है। रोड शो इंदौर में भी हुआ, सारे विधायक थे, तो कुछ मैसेज का सवाल नहीं है। वो वहाँ के स्थानीय है, स्थानीय लोगों की शिरकत, उसमें विधायक भी थे, दूसरे भी थे, वो भी वहाँ भी इश्यू उठा था कि कैलाश जी क्यों नहीं शामिल हुए रोड शो में। दूसरी बात दीपेश जी, मुरैना भी जाने वाले थे, आप ये क्यों बोल रहे केवल ग्वालियर जाने वाले थे? मुरैना संसदीय क्षेत्र के संसद सदस्य श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर बिल्कुल है ना, तो मुरैना जाते और बिना नरेंद्र सिंह तोमर के जाते, ये इसके बारे में क्या कहा जाता फिर? इसलिए वो ग्वालियर मुरैना दोनों कौन तो एन वक्त पे नहीं, तो ये पहले साफ हो जाती बात तो हम सवाल नहीं पूछते। खैर, हम संतोष जी से एक सवाल ले लेते हैं। संतोष जी, ये बात उठ रही है कि शक्ति प्रदर्शन है, कई बीजेपी के नेता कह रहे कि हाँ है, लेकिन कांग्रेस के लिए हम कांग्रेस को दिखाना चाहते हैं कि सिंधिया जी जिनको ये कहा जाता था कि बैक बेंचर होंगे, देखिए जरा सिंधिया जी का स्वागत कैसे हो रहा है, 100 किलो गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी गई सड़क पर, नरेंद्र सिंह तोमर उनकी अगवानी करने आ रहे हैं और आज पूरा जो लाल लश्कर आप देख रहे हैं 70-80 किलोमीटर का वहां पर जो काफिला निकला, तो ये दिखाने के लिए कांग्रेस को। ऐसे में वो क्या ये भी बोला उन्होंने कि कांग्रेस के नेता तो सिर्फ बोलते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, काम तो केवल हम लोग कर रहे हैं। आपकी ओर से क्या जवाब है संतोष जी? ये जो है कांग्रेस के लोगों को देखे, ये शक्ति परीक्षण निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जो है पूरे शासकीय जो मशीनरी है, आपके आरएस के जो अधिकारी हैं, सबके या भाड़े के लोग इकट्ठा करके वो पूरा जो है सत्ता के पैसे से जो है अपना स्वागत करवा रहे हैं। इनको तो ये ध्यान देना चाहिए कि अभी जो एक महीने अभी जो बाढ़ की स्थिति है उसमें तो सिंधिया जी के पते नहीं थे, अब उस समय तो आराम कर रहे थे। सिंधिया जी कैसे नहीं, मुरैना गए थे, शिवपुरी गए थे, वो कि 10 दिन बाद गए थे, तत्काल गए थे क्या? और देखिए दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं जनता में, ये बहुत कमजोर है जनता। जनता इस समय जो है गैस के उससे इन्हें अपने बोला था कि 100 रुपए जो है गैस की टंकी में कम कर देंगे, इन्हें करा क्या? ये जो है केवल जनता को झूठे झूठे सपने दिखा रहे हैं आने और लोगों को ऐसा नहीं लगे, इसलिए जो अपना शक्ति परीक्षण समय समय पे करते रहते हैं। कांग्रेस ने धरना दिया, कांग्रेस काम कर रही है विरोध, और जो है कांग्रेस जिला कांग्रेस का वहाँ धरना भी था। तो देखिए हमारा तो काम है विपक्ष का, अब जो सिंधिया जी की समझ से, सिंधिया जी क्या है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है इनसे ये है कि इनको जो है सिंधिया जी की स्वागत नहीं करके अपने देश के स्वागत करना चाहिए। और अभी स्थिति इतनी कोविड की, कोविड के बहाना लेके अब कोविड वो हो गया है, तो आने वाले ये जो इसको जो है अब गड्ढे जो है पूरे भरे हुए, पूरे गड्ढे थे ग्वालियर में, ये देखा होगा आपने जैसे सिंधिया जी कार्यक्रम बना सारे गड्ढे भर गए, तो कम से कम चलो इससे जनता का लाभ तो हुआ। लेकिन ये जो दिखावा जो करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरे क्राइम में नंबर वन,
हर चीज में तो स्थिति इनकी दिखी रही ना, सब जगह सारी रिपोर्टें आ रही हैं, तो इनको जनता के उसमें ध्यान देना चाहिए। शक्ति परीक्षण नहीं है तो और क्या है, ये बताइए ना आप, आपको नहीं दिख रहा क्या शक्ति परीक्षण? किसके बीच में शक्ति प्रदर्शन है ये भी आपस में कर रहा है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस ही कारण हो गया है। इतने पोस्टर इतने ज्यादा वो छप रहे हैं तो ये तो होड़ लगी हुई है कि सब जो जो सिंधिया के साथ है तो है नहीं है तो उनकी स्थिति क्या होगी, वो ग्वालियर में आने वाले समय बताएगा। तो ये खैर भी भारतीय जनता पार्टी का मामला, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, उससे आपको इसलिए मतलब होना चाहिए कि आज सिंधिया जी उस क्षेत्र में आपका चेहरा थे ना, आज कांग्रेस के वहाँ नेतृत्व, हम क्यों ना माने कि कांग्रेस वहाँ नेतृत्व तो विहीन हो चुकी है, आपके पास कोई बड़ा चेहरा ग्वालियर चंबल में नहीं है? हमारे पास ग्वालियर चंबल में बहुत बड़ा चेहरा है, डॉक्टर गोविंद सिंह, अशोक सिंह जी जो है चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटर से आ रहे थे। डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, कहाँ बनने दिया जा रहा है? बड़ा देखिए अभी वर्तमान में देखिए कांग्रेस पार्टी अपने जो है आने जो दिख रहा है आपको, कांग्रेस के अंदर बहुत चेहरे हैं, वो आने वाले समय में आपको दिखेगा। सही बात इनकी तो, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल दिखावा करते हैं, करते क्या केवल सपने दिखाते हैं झूठ मूठ के, आपको दिख नहीं रहा है क्या? गोविंद क्राइम बढ़ रहा है, आदिवासियों को जो है घसीट के ले जा रहे हैं, हत्या हो रही है, गाड़ा जा रहा है, क्या कर रही है, आपको दिख नहीं रहा है? पूरे मीडिया में सब जगह दिख रहा है। तो ठीक है, तो इनको घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा जो सिंधिया का रोड शो है उसके क्या मैसेज है? सिंधिया के रोड शो से देखो, सिंधिया के रोड शो से मैसेज ये है कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको ये बताना चाह रहा है कि भैया हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो आपकी स्थिति आने वाले समय में खराब होगी। ठीक है, मैं गोविंद जी से जवाब दूंगा, लेकिन राजेश जी का कमेंट इसमें ऐड कर दें तो, राजेश जी कांग्रेस अपने मायने निकाल रही है और गोविंद जी कह रहे हैं कि भाई अब लोग तो 10 मायने निकालेंगे, मतलब निकालेंगे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता।